हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द सेशन ऑफ पीआईबी 24/7। मैं हूं मनीष मिश्रा एंड इन दिस सेशन आई विल ब्रिंग टू यू पीआईबी एनालिसिस ऑफ द पीआईबी न्यूज। गाइस, दिस सेशन इज बेनिफिशियल फॉर वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, स्टेट पीएससी, आरबीआई, ग्रेड बी, ईएसआई सेक्शन। सो कीप वॉचिंग दीज सेशंस एंड स्प्रेड द नॉलेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद द वेरी फर्स्ट न्यूज। सो द फर्स्ट न्यूज गाइज इज अबाउट द इंडियाज प्रोग्रेस इन अचीविंग मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो टारगेट्स अंडर एसडीजी एंड नेशनल हेल्थ पॉलिसी। जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और नेशनल हेल्थ पॉलिसी के जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करने में इंडिया का क्या प्रोग्रेस है अबाउट द एमएमआर, राइट? सो इफ यू टॉक अबाउट द एमएमआर फर्स्ट, सो इट इज द मैटरनल डेथ्स पर 1 लाख लाइव बर्थ्स। हर 1 लाख लाइव बर्थ्स के ऊपर जो मैटरनल डेथ्स होती है दैट इज नोन एज मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। And if you talk about SDG, तो SDG का जो MMR target है, that is 70 and that is to be achieved by the year 2030. And if you talk about National Health Policy of the Indian government, so according to that, the MMR should be 100 by the year 2020. Okay, 2020 के एंड तक जो हमारा maternal mortality ratio है, that is to be 100. Okay, so this is about guys MMR. Now let's talk about the Sustainable Development Goals. So these are the collection of 17 goals that are designed to achieve better and sustainable future for all. सभी के लिए sustainable future attain करना ही इन goals का aim है. And these goals were adopted at the United Nations in the year 2015. And these goals are to be achieved by the year 2030. All right. And along with the 17 goals, guys, there are also 169 targets. Okay. So this is about the sustainable development goals. Now let's talk about the national health policy. So in total till now we have 3 national health policy. This national health policy was implemented in the year 2017 and before this we have 2. One in 1983 and another in 2002. इससे पहले दो बार national health policy आ चुकी है. सबसे पहले आई थी 1983 में, उसके बाद 2002 में, and then last time it was implemented in the year 2017. So this guys national health policy aims at achieving universal health coverage. Basic jo iska aim hai that is to achieve universal health coverage aur sabhi ke liye affordable cost pe quality health service provide karana is also the aim of this national health policy. All right, delivering quality medical services for all at a cost which is affordable to each and everyone. All right. Now if we talk about the targets under this national health policy, so we have to increase life expectancy at birth 270 by the year 2025. जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है बर्थ पे उसको हमें इंक्रीज करना है 2025 तक कितना लेके जाना है 70. टोटल फर्टिलिटी रेशियो वी हैव टू रिड्यूस टू 2.1 बाय द ईयर 2025 एंड इन केस ऑफ एचआईवी एड्स वी हैव टू अचीव द टारगेट 90:90:90. नाउ व्हाट इज दिस 90:90:90 टारगेट ऑफ एचआईवी एड्स? सो 90% ऑफ ऑल द पीपल लिविंग विद एचआईवी शुड नो देयर स्टेटस. Because कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि दे हैव एचआईवी इन देम, राइट? सो 90% ऑफ ऑल पर्सन लिविंग विद एचआईवी नो देयर स्टेटस. 90% ऑफ ऑल पीपल डायग्नोस्ड विद एचआईवी शुड गेट द रेट्रोवायरल थेरेपी. जितने भी लोग हैं जो कि एचआईवी से संक्रमित हैं उनको 90% को एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जो है वो मिलनी चाहिए. एंड जितने लोगों को भी रेट्रोवायरल थेरेपी मिल रही है उसके 90% के अंदर वायरल सप्रेशन होना चाहिए. 90% ऑफ ऑल पीपल रिसीविंग दीज थेरेपीज विल हैव वायरल सप्रेशन. सो दिस इज अबाउट द 90:90 टारगेट फॉर एचआईवी एड्स. एंड वी ऑल्सो हैव टू एलिमिनेट लेप्रेसी बाय द ईयर 2018 एंड कालाजार बाय द ईयर 2017. बट गाइज दीज टारगेट्स आर मिस्ड बाय आवर गवर्नमेंट. ये दोनों के दोनों टारगेट मिस हो चुके हैं. अगर हम लेप्रेसी की बात करें तो 2018 तक हमें करना था, उसको एक्सटेंड करके अक्टूबर 2019 तक लेके आए थे. उसके बाद भी ये एलिमिनेट अभी तक पूरी तरीके से नहीं हो पाया है. एंड सेम विद द काला आजार, राइट? सो ये जो हमारे टारगेट्स थे ये मिस हो चुके हैं. एंड वी हैव टू एलिमिनेट टीबी बाय द ईयर 2025. बट जो हमारा एलिमिनेशन ऑफ टीबी का जो WHO का टारगेट है गाइस दैट इज 2030. सो हमें एलिमिनेशन करना है टीबी का बाय द ईयर 2025 अहेड ऑफ द WHO's टारगेट ऑफ 2030. So this is about the national health policy. Guys, इसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आ सकता है. दिस हेल्थ पॉलिसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ये जो हमने आगे पढ़ा MMR, टारगेट्स ऑफ MMR, SDG के बारे में, ये सभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अनाउंसमेंट जो कि रिसेंटली की गई है अबाउट द टारगेट्स अचीव्ड इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड इन द MMR. राइट, सो इन द केस ऑफ MMR
in case of India, it has been declined by 9 points in 1 year. It was in 2015-17, it was 122. But in 2016-18, it has reduced to 113. So, 9 points se reduce ho gaya hai. And agar hume baat kare, 2020 ka jab tak data aayega, abhi ye 2016-18 ka data hai. So, I hope ki 2018-20 ka jab data aayega, usme jo hamara MMR hai, that will be reduced to 100. Wo reduce ho jayega 100 tak, right? And if we talk about the maximum decline, so सबसे ज्यादा decline जो हुआ है guys, MMR में सबसे ज्यादा best performance जिस state ने दिखाई है, that state is Rajasthan, okay? And if we talk about the states which have already achieved the SDG targets, so there are 5 states. These are Kerala, Maharashtra, Tamil Nadu, Telangana and Andhra Pradesh. Earlier there were 3, but now it has been increased to 5 states. And these 5 states have achieved the target of sustainable development goals well ahead the target of achievement, that is 2030. Alright, and in total there are 11 states jinhone MMR ka target jo hai by the national health policy usko achieve kar liya hai. And you must not remember these 11 states, in 11 states ka naam aapko yaad rakhne ki koi zarurat nahi hai. So this is about guys the targets achieved by the government of India and the state governments. Okay, now if we talk about the steps taken by government to improve MMR in India, so there are various schemes jo ki government of India dwara chalaya ja raha hai to improve the maternal mortality ratio. Like for example, if you talk about Janani Shishu Suraksha Karyakram, Janani Suraksha Yojana, Lakshya Program, Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan, and recently implemented Suman Initiative. Suman stands for Surakshit Matritva Abhiyan. Right? Suman stands for what? Surakshit Matritva Abhiyan, that was launched last year in the month of October. So all these schemes are beneficial to improve MMR, and these are the steps taken by the government to improve MMR. And in detail, हम इसके बारे में अलग-अलग पढ़ेंगे, guys. जब हम government scheme का session पढ़ेंगे, okay? Now let's move on to the question. There are 3 questions based on the news in this news. So I hope आपको ये सारा का सारा news clear है. And there is no doubt. And if there is any doubt, you can ask in the comment section. So question number 1 is, what are the respective targets of MMR to be achieved as per SDG and National Health Policy 2017? नेशनल हेल्थ पॉलिसी और एसडीजी के हिसाब से जो भी टारगेट्स हैं एमएमआर के हमें बताने हैं, पहले एसडीजी का बताना है एंड देन नेशनल हेल्थ पॉलिसी का. सो गाइस एज पर एसडीजी द टारगेट इज 70 बाय द ईयर 2030 एंड इफ यू टॉक अबाउट नेशनल हेल्थ पॉलिसी इट इज 100 बाय द ईयर 2022. सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट? ऑप्शन ए 70, 100. ऑलराइट, ऑप्शन ए 70, 100 शुड बी द करेक्ट आंसर. Which state has shown the maximum decline in MMR for the period 2016-18? So, we have discussed this. So, this state is what? Rajasthan. Rajasthan has showed the best performance in the maximum, in the MMR declination. Alright, MMR ke declination mein sabse achhi performance kiski rahi hai? Rajasthan ki. Now, question number 3 is, which among the following states is not one of them which have achieved SDG target? In mein se kaun se state aise hain जिन्होंने एसडीजी के टारगेट को अचीव नहीं किया है? ऑलराइट, सो देयर आर 5 स्टेट्स गाइस इन टोटल व्हिच हैव अचीव्ड द एसडीजी टारगेट. वन इज केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना एंड फिफ्थ इज आंध्र प्रदेश. सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट? ऑप्शन ई गुजरात. गुजरात ने अभी तक एसडीजी टारगेट को अचीव नहीं किया है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4 व्हिच इज अबाउट सम डिफरेंट न्यूज. सो रिसेंटली फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फुटवेयर ट्रेनिंग सेंटर हैज बीन ओपन्ड बाय केवीआईसी. KVIC is headquartered in Mumbai and it is headed by Vinay Kumar Saxena, right? And this footwear training center has been launched for marginalized sector. So the question is where it has been opened. Isko kahan pe open kiya gaya hai? So let us discuss about this. So recently guys, the first of its kind footwear training center was inaugurated for the training sessions of the marginalized sector of the leather artisans. Jo hamare leather artisans hain, उनमें जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, उनको फुटवेयर की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के लिए एक फुटवेयर ट्रेनिंग सेंटर खोला गया इन दिल्ली बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन विद टेक्निकल सपोर्ट फ्रॉम सेंट्रल फुटवेयर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन आगरा. जो सेंट्रल फुट रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके टेक्निकल सपोर्ट के साथ केवीआईसी हैज लॉन्च दिस फुटवेयर ट्रेनिंग सेंटर फॉर मार्जिनलाइज सेक्शन इन लेदर आर्टिसंस इन दिल्ली. ऑलराइट, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द की पॉइंट्स अबाउट दिस ट्रेनिंग सेंटर, so this center will provide training in the shoe sector and also they will provide the logistical support to the trained artisan. और जो total training होगा guys, that will be for 2 months. 2 महीने की training होगी और उसके बाद जो ये center है, this center will help them
टू ओपन देयर शू मेकिंग बिजनेस, अपना शू मेकिंग बिजनेस बनाने में उनको हेल्प करेंगे एंड दो महीने में दिस ट्रेनिंग सेंटर विल प्रोवाइड ऑल द ट्रेनिंग रिलेटेड टू शू मेकिंग राइट. And these artisans will also be provided a toolkit worth ₹5,000 and एक बैच में देर विल बी 20 artisans. इससे पहले एक्चुअली ये जो था एक बैच में 40 artisans लेने थे बट बिकॉज ऑफ कोविड एंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ सोशल डिस्टेंस दिस नंबर हैज रिड्यूस्ड टू 20. सो नाउ देर विल बी 20 artisans इन वन बैच राइट. And if you talk about guys KVIC, so it is a statutory body that was established by KVIC Act of 1956. 1956 का KVIC Act है, उसके अंतर्गत इसको establish किया गया था. And इसके बाद काफी बार इसको amend किया जा चुका है. Its headquarters are in Mumbai and it is chaired by Vinay Kumar Saxena. He is Mr. Vinay Kumar Saxena. And if you talk about the objectives of KVIC, so it has to plan, it has to promote, it has to organize and implement all the programs. All the policies which are related with khadi and village industries. Khadi का जो पूरा business है और जो village industries है, village rural areas में जो industries है उनका planning, promotion, organization और implementation सारे programs and policies का KVIC के पास होता है, KVIC को करना होता है. Alright. So now let's move on to the question. Question was where it has been opened. So ये जो हमारा footwear training center है कहाँ पे open हुआ है. Correct answer guide should be what? Option C, Delhi. It has been opened in Delhi. Now let's move on to question number 5, which is the very important question if you talk about RBI grade B ESI section, because ये social issues का question है and of course ये UPSC और state PSC के लिए भी काफी important question है. So pay attention to this question and ये question हम क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे. So the question is with respect to the person with disabilities act 2016 identify the correct statement, incorrect statement. So we have to find the incorrect statement with respect to person with disability act of 2016. Okay. So let us discuss this guys ki hum news kyun pad rahe hain. So recently guys in a judgment Supreme Court declared that the disabled are entitled to those same benefits of relaxation that are enjoyed by SCs or STs. Right? Jo benefits of relaxation under reservation SCs or ST ko milta hai, disabled are also entitled to that only. And this Supreme Court has said, stating that PWDs, yani ki person with disabilities, are also socially backward. They are also socially backwards. So they are also entitled to those benefits of relaxation that are enjoyed by SCs or STs. Alright. And if you talk about guys, this term socially backward. So this term social backwardness was selected, was introduced as one of the criteria to grant reservation in India. एक क्राइटेरिया है टू ग्रांट रिजर्वेशन इन इंडिया का जिसका टर्म जिस टर्म का नाम है सोशल बैकवर्डनेस. एंड गाइस दिस टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द लैंडमार्क केस ऑफ इंदिरा सहानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन 1992. आप सभी ने ऑफ कोर्स इस केस के बारे में सुना होगा. इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द टोटल रिजर्वेशन शुड नॉट क्रॉस द 50% मार्क. आप सबको पता होगा इसके बारे में आई होप कि जो टोटल रिजर्वेशन है दैट शुड नॉट एक्सीड 50% मार्क. एंड ऑल्सो इन दिस केस Supreme Court struck down the government notification of providing 10% reservation to the economically weaker section. इससे पहले 1992 में अभी हम सब जानते हैं कि जो economically weaker sections है उनके लिए 10% का quota है in the government jobs. इससे पहले in the year 1992 जिस time P.V. Narasimha Rao sir की government थी he was the prime minister. उस time भी government ने notification जारी किया था of providing 10% reservation to EWS sections. But Supreme Court struck down that notification, right? So Indira Sahani case में social backwardness को introduce किया गया था as one of the criteria to grant reservation. Now Supreme Court के सामने इस तरीके के केस आया कैसे? I mean Supreme Court ने ये जो judgment सुनाई है, ये किस basis पर सुनाई? क्यों हुआ ऐसा? So अगर हम इसकी छोटी सी बात करें, so there was a writ petition that was filed in Punjab and Haryana High Court, in which some people were demanding that there should be a bifurcation of seats between physically and mentally challenged student. Jo person with disabilities hain usme bhi jo physically aur jo mentally challenged students hain unke liye unke beech mein bhi jo seats hain total seats uska bifurcation hona chahiye aisa content ki aisa demand kiya gaya tha in that writ petition but Punjab and Haryana High Court ne us plea ko reject kar diya. Then that plea was appealed in the Supreme Court, right? And accordingly Supreme Court ने ये अपना declaration सुनाया है, अपना judgment सुनाया है. Now if you talk about Persons with Disability Act of 2016, so this Act 2016 replaced the old Act of PWDs Act of 1995. It fulfills the obligations to UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities.
इससे पहले जो जो हमारा 1995 वाला एक्ट था, जो देयर वर सेवन टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज इन दैट एक्ट, नाउ द नंबर ऑफ डिसेबिलिटीज हैज बीन इंक्रीज टू 21 एंड अंडर दिस एक्ट रिजर्वेशन इज प्रोवाइडेड टू पीडब्ल्यूडीज इन हायर एजुकेशन, इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड इन एलोकेशन ऑफ लैंड एंड ऑल्सो अंडर दिस एक्ट जो पर्सन जिनके पास बेंचमार्क डिसेबिलिटीज है उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाएगा. द पर्सन हैविंग बेंचमार्क डिसेबिलिटीज विल बी प्रोवाइडेड फ्री एजुकेशन अंडर PWD's Act of 2016. Right. Now let's move on to the question. So the question is, we have to find the incorrect statement regarding PWD's Act of 2016. So option A is replace the PWD's Act of 1995. Yes, this is absolutely correct. It has replaced this. Number of disability covered 23. No guys, it is 21. So therefore the correct answer should be what? Option B. Because the number of disabilities covered under this act are 21, not 23. And it has been increased from 7 as stated in the act of 1995. Okay. Now let's move on to question number 6. I have bring one, main aapke liye ek extra question aaj leke aaya hu because I feel that this question is also important. So the question is, by how much percentage area of kharif crops has been increased in this year as compared to the last year. पिछले साल के comparison में इस साल जो खरीफ crops का area है, percentage area है, वो कितना increase हुआ है? Okay. So let me tell you the answer first. So the correct answer to this question, guys, is option B, 21.20%. खरीफ crops का जो area है as compared to the last year has been increased by 21.20%. And if you talk about the maximum increase, so maximum increase we have in oil seeds and minimum increase is in jute and mesta. And mesta guys is also a commercial crop like jute and it is used to make fibers. इसका भी use किया जाता है fiber बनाने के लिए like jute and cotton. Okay. And increase in area जो है that I told you is 21.20%. And if we talk about the maximum area crop wise in different states, so अगर हम rice की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा area कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में. Pulses की बात करें तो सबसे ज्यादा area is in मध्य प्रदेश. Oil seeds की बात करें तो maximum area is in महाराष्ट्र. And if you talk about the cotton, it is in तेलंगाना. राइट, सो दिस इज अबाउट द खरीफ क्रॉप्स का मैक्स इंक्रीजिंग परसेंटेज एरिया. सो दिस वाज अबाउट द टुडेज न्यूज. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्विज. क्योंकि गाइस फ्राइडे को मैं ड्यू टू सम रीजंस क्विज नहीं लेके आया था, सो टुडे लेट्स मूव ऑन टू द क्विज. लेट्स डू फाइव क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ क्विज. ओके गाइस, सो यू ऑल हैव टू आंसर दिस क्विज. सभी लोगों को क्विज के क्वेश्चंस का आंसर देना है. एंड गलत हो चाहे सही हो गाइस, यू हैव टू आंसर. राइट, बिकॉज अगर आप आज गलत आंसर देंगे तभी वो कल ठीक होगा. ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर वन इज, एन एनुअल एंटी ड्रग एक्शन प्लान फॉर 2020-21 वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. इट इज हेडेड बाय थावरचंद गहलोत. ही इज द लीडर ऑफ राज्यसभा. फॉर हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इट वॉज लॉन्च. कितने डिस्ट्रिक्ट के लिए इसको लॉन्च किया गया था? So guys, we have discussed this that it has been launched for 272 districts. Option B, 272 is the correct answer. Now next question is, the Niti Aayog in partnership with several other stakeholders has launched a campaign which is known as Navigating the New Normal. Navigating the New Normal naam ka ek campaign launch kiya gaya hai by the Niti Aayog with the help of some other stakeholders. So hume batana hai this campaign is what for? Ye kiske liye hai? Kis cheez ke liye hai? So, इसको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था गाइस. द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, बिहेवियरल चेंज ड्यूरिंग द अनलॉक फेज. बिहेवियरल चेंज ड्यूरिंग द अनलॉक फेज. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हिच इंडियन एआई प्लेटफॉर्म हैज वन टू अवार्ड्स एट द कॉगएक्स 2020 हेल्ड इन लंडन फॉर प्रोवाइडिंग टाइमली अपडेट्स टू हेल्प सिटीजंस क्लियरिंग देयर क्वेरीज ऑन कोविड-19. कौन से इंडिया के एआई प्लेटफॉर्म को दो अवार्ड्स मिले थे एट कॉगएक्स 2020 जो कि लंडन में हुआ था for providing timely updates to help citizens clearing their queries on COVID-19. So the correct answer to question number 3 guys is MyGov Corona Help Desk. MyGov Corona Help Desk is the correct answer. Now question number 4. Giving the boost to Vocal for Local, India's first indigenously developed social media super app. Once again, yes. Social media super app was launched. What is the name? Us app ka naam hai, main batana hai. Correct answer is what? Option A, Elements. Now question number 5 and the last question for quiz. Which of the following organization has launched a scheme called Accelerate Vigyan to strengthen scientific research mechanism in the country? Accelerate Vigyan naam ki ek scheme hai. Isme se kaun se organization dwara launch ki gayi thi to strengthen scientific research mechanism in the country? Guys, the correct answer is what? Option E, SERB.
SERB is the correct answer, and SERB stands for Scientific and Engineering Research Board, right? So this is about the quiz, guys. अपने अपने marks जरूर share करिएगा comments में, and that's it for the session today. For more updates, do subscribe our channel and press the bell icon. Thank you so much for watching. आपको ये session कैसा लगा? Comment में comment करके जरूर बताएं. Goodbye, take care, and God bless.